माँ वोट देने जा रही हो? हाँ। अच्छा कौन को देगी? पर्ची ना है। पर्ची ना है? हाँ। अच्छा नाम तो है वहाँ में? है अम्मा नाम? हाँ, तो है नाम। अच्छा कौन को देगी वोट? कौन को देगी वोट? केला को देंगे वहीं पर डाले तो डाल देंगे। कौन डालेगी? अरे दुनिया डाल रही हुई। दुनिया की कैसे पता लगेगी आपको? वहाँ पे तो दिखता ही नहीं है कोई किसी का कि कौन किसको डाल रहा है। वहाँ तो दिखता ही नहीं। मोदी पे डाल देंगे, हाथी पे डाल देंगे। मोदी पे डाल देंगे, हाथी पे डाल देंगे। दो पे कैसे डाल सकती हैं? एक ही पे डाल सकते हो आप तो? किसी पे काऊ पे डाल देंगे। अभी पता नहीं है, उस समय जो भी बटन दब जाएगा। बताओ काहे पे डाल रही? अच्छा जी आपका नाम? कश्मीरी। अच्छा वोट डालने आई हुई है? हाँ वोट डालने आई। तो क्या देखेंगी वोट डालते हुए समय? कोई चिन्ह देखेंगी या प्रत्याशी देखेंगी? जो जनता देगी सो हम देख लेंगे। फिर भी किस तरीके के प्रत्याशी पे डालेंगे? अब देखो कौन सी पड़ी, कौन सी पे पड़ा है उसी समय पता लगेगा। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम प्राची गोयल है। प्राची जी किस तरीके की ईवीएम की व्यवस्था है? जैसे ईवीएम में इस बार क्या खास लगा आपको? नहीं ईवीएम की व्यवस्था ठीक है और निर्वाचन ठीक तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। अच्छा किस तरीके की सरकार चाहती हैं आप? सरकार हम ऐसी चाहते हैं, सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और पिछले 5 सालों में मैंने देखा कि महिलाओं की सुरक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। और दूसरी चीज़ कि जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिले, शांति व्यवस्था बनी रहे, बस इसी तरह की सरकार चाहते हैं। रोजगार के अवसर मिलेंगे तो सीधी सी बात है कि सरकार से लोग संतुष्ट होंगे और देश का विकास हो। जी आपका नाम? नीरज गुप्ता। नीरज जी किस तरीके की व्यवस्था है अंदर बूथ पर? व्यवस्था सब कुछ अच्छी है और सब लोग अपने अपना जो जिसको अपना जिस जिस सब अपना अपना कार्य अच्छी तरह संभाल रहे हैं और कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसी सरकार जो कि पब्लिक के हित के बारे में सोचे और दंगे और ये लड़ाई झगड़ा जो होता है इससे बचाव करे पब्लिक का, और सरकारी नौकरी मिले और युवा पीढ़ी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। सत्ताधारी पार्टी ने ये सब किया है? सत्ताधारी पार्टी ने ये सब किया है। जी आपका नाम? रानी। रानी जी वोट डालने आई हुई हैं? हाँ जी। तो वोट डालते समय क्या देखेंगी, किस तरीके के प्रत्याशी को आप वोट देंगी? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप किस प्रत्याशी को वोट देंगी, किस तरीके के प्रत्याशी को वोट देंगी ये पूछ रहा हूँ। जो है क्या उन्हें देंगे, जो सब की जो जनता जो तक कूट रही हो उतना ही देंगे। अच्छा जिधर जनता जा रही हो? हाँ उधर ही देंगे। अब वोट अपना खराब तो करना ना है। किस तरीके के प्रत्याशी को वोट डालेंगे आप? मतलब आप केवल वोट का जो चिन्ह है वो देखेंगी, पार्टी देखेंगी या प्रत्याशी देखेंगी? वोट डालेंगे मैं देखेंगे। वोट डालेंगे किस तरीके की सरकार को डालेंगी? जो सब पंचायत डाली हमारे संघ आएगा वही डालेंगे। और मतलब अपने दिमाग से नहीं डालेंगे? अपने दिमाग से डालेंगे। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि और पब्लिक डालेगी इससे क्या मतलब है? बाबा डालेंगे कमल पर। आपने वोट डाल लिया? हाँ जी। किस तरीके की सरकार चाहते हैं आप? सुरक्षित सरकार चाहते हैं जो सुरक्षा दे हम सबको। अच्छा किस तरीके की सुरक्षा? जैसे कहीं काम करके आ रहे हैं तो कोई झगड़ा ना हो और साफ रहे, अपने पैसा वैसा सुरक्षित हो, हम भी सुरक्षित रहे, हमारी बहू बेटी सुरक्षित रहे। तो वर्तमान सरकार ने ये सब किया है? जी ये सब किया है। एक सरकार चाहते हैं? सरकार क्या अपना खाना पीना चलता रहा वही सरकार सही है और क्या है। अच्छा अच्छा बस। कि आप किस तरीके की सरकार चाह रही हैं जिस हिसाब से आप वोट दे के आई हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको दे के आई हैं, किस तरीके की सरकार चाहिए आप? जो योगी जी की चल रही है यही सरकार चाहिए। अच्छा ऐसा क्या किया है सरकार ने? बहुत कुछ किया है, सबसे ज्यादा तो महिलाओं की सुरक्षा है, समय पे राशन पानी, समय पे सब काम हो रहे, और सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी बिल्कुल ना है। रात में चैनते सो जाते जे ना डर रहे बदमाश आए रहे का। अच्छा, अच्छा। तो हमारे मकान पर कब्जो है जाएगा का तो मेरे संग 2-3 बार घटना घट चुकी है ना। अच्छा सपा के समय पे तो अब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल तक बड़ा चैन है, इसकी सुनवाई है रही है। दारू का चले और देवा विधवा औरतें नहीं है, उनके लिए कोई साधन नहीं है, किसी को पेंशन नहीं बनती, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, रेलवे स्टेशन बंद, प्लेट
प्लेटफॉर्म बंद, एयरपोर्ट बंद, अगर खुलेगी तो सिर्फ दारू। बीजेपी की कमाई कहाँ से होगी? दारू से। और दारू पिलाने का मेन मकसद क्या है? यूपी को, यूपी के युवाओं को, जो युवा है उनको और नीचे स्तर पर और गिराना। जब नीचे स्तर पर गिरेंगे तो बीजेपी वालों से भीख मांगेंगे, और उसका मेन मकसद है। सब चीज बंद है तो दारू क्यों नहीं बंद है? और जिस दिन दारू बिकी थी तो अलीगढ़ का टॉप 10 पर नाम था, अलीगढ़ में टॉप 10 पर नाम था। सब चीजें खुली मगर दारू का ठेका पहली बार खुले। पैसा वालों को पेंशन मिले, गरीबों को पेंशन नहीं मिलती। मैं 20-25 साल का होगा, मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली। कागज जमा कर दिया, ऑनलाइन करा दिए, बाकी करते कभी ये कमी है कभी ये कमी है, मुझे पेंशन नहीं मिली। मैंने वोट नहीं दिया ही नहीं किसी को। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। जी आपने मतदान कर लिया? कर लिया। किस तरीके के प्रत्याशी को आपने वोट दिया? मैं प्रत्याशी का नाम नहीं जानना चाह रहा, किस तरीके का प्रत्याशी जनता चाह रही है? पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो, सुशील शब्द हो, जो किसी के ऊपर बैसाखी ना हो, खुद स्वतंत्र हो, ये ना हो कि वो विधायक बन जाए और कोई अन्य व्यक्ति क्या करे उसकी विधायकी करे। हम स्वतंत्र स्वतंत्र विधायक चाहते हैं जो विकास भी करे और लोगों की समस्याएं भी सुने। तो आप किस तरीके की सरकार चाह रहे हैं? हम इस भयमुक्त सरकार चाह रहे हैं, प्रदेश में भयमुक्त सरकार हो, गुंडागर्दी ना हो, विकास हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। क्या आपने मतदान कर लिया? जी। तो किस तरीके के प्रत्याशी को आप चुनना चाहती हैं? हम तो बल्ले को चुनना चाहते हैं जो हमारे लिए सुविधा करे, किसी बात की मतलब हमारे लिए सुविधा नहीं है। देखो जो लोग इतने है गए ना, तो देखो हमारा गल्ला पैदा हो रहा, ठीक है, गाय खा जाती हैं, और हमारे यहाँ सड़कों पे कोई साधन नहीं है, इतने इतने कीचड़ पे निकलते हैं हम, कीचड़ नल नहीं है। अगर हमारी सबर खराब हो जाए तो हमारे लिए नहीं कि एक बाल्टी हम पानी किसी सरकारी नल से भर ले। कौन सा गांव है? हम माली नगर आ गए। अच्छा, तो जो प्रदेश सरकार है इस समय वर्तमान, उसने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, हमारी गली में कुछ नहीं किया है, हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं किया है, गांव में कुछ नहीं किया है। अच्छा, कौन सी विधानसभा पड़ती है? बोल। छर्रा में। अच्छा जी, तो विधायक ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। राशन दिखा रहे हैं, राशन क्या दिखा रहे हैं? सिलेंडर, गैस सिलेंडर ही महंगी हो गई, ठीक है ना। देखो डीजल पेट्रोल ही महंगी हो गई, किसी चीज पे हमारे लिए सुविधा नहीं है, ठीक है। और देख बिजली का बिल इतना आ रहा है, इतना फुकरा इतना आ रहा है, क्या सुविधा हमारे लिए? कुछ नहीं है। पानी जाता ना पत्ते में, हाँ, में लेकर के बच्चा की पढ़ाई बेकार, जाता रात में रात। कौन सा वाला है? मोहन नगर। अच्छा अच्छा, वोट दे आए? जी आए, वोट जहाँ पे देनो वहाँ पे दे आए। अच्छा, अब वोट तो देनो ही देनो। और राशन दिखा रहे हैं सब लोग, राशन आ रहा, राशन क्या आ रहा है? हमारा ही राशन हमारे लिए आ रहा है, इतना तो हम बोल ले खाएंगे, वो भी नहीं खा पाएंगे अपना। जी हाँ, वोट कराए अब? हाँ जी कराए। किस तरीके का प्रत्याशी चाहिए? हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारा विकास करे, बच्चों का भविष्य बने, और हमारी आप गली देखें जाके वीडियो बना के लाएं, ताकि उसमें आप निकल नहीं पाएंगे। माली का नगला जी। तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे? अब तक कुछ नहीं हुआ, नेम प्लेट लगा रखी है, जबकि लागत भी उस पर दिखाई हुई है, अभी तक ना उसमें कोई काम हुआ है। अपने नाम की नेम प्लेट लगी हुई है उस पर, आप जाके वीडियो बनाएं। वोट कर लिया आपने? हाँ जी वोट किया है। सर सरकार तो हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो। सबसे ज्यादा क्या है कि आज की डेट में हर घर चले जाइए, इतनी बेरोजगारी है बहुत ही ज्यादा। क्या आप जब मान के चलो दो दो चार चार किलो अगर राशन देते हो उससे क्या फायदा जो बताइए? क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, अगर मान के चलो किसानों का कुछ फायदा हो तो जो चलो जितने बार धंधे आते हैं उनका हर एक विकास, हर किसी का विकास हो। कारण क्या, मैं मोहनगर में रहने वाला हूँ, इस कंडीशन में ये समझ लो तीन तीन एप्लीकेशन लगाने के बाद ठाकुर रविंदर सिंह के पास एप्लीकेशन लगने के बाद विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण वहाँ पे भी एप्लीकेशन लिया, डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगने के बाद मोहन नगरी कॉलोनी का एक भी कोई झगने नहीं आता है। कौन क्या करता है, कैसे क्या है, बहुत परेशान है। आज भी चले जाओ, जो समझो कम से कम आप तुम चले जाओ, घुटू पानी भर रहा होगा उसमें। अब भी इस कंडीशन में वोट डालने आना पड़ा है, क्योंकि वोट डालेंगे हम और ये कंडीशन है, बहुत ज्यादा परेशानी है। जी क्या दिक्कत है आपके यहाँ? सर हमारे लिए इतनी दिक्कत है कि आप दिक्कतों को सुनते सुनते परेशान हो जाओगे। किसान की दिक्कत पहली ये है कि किसान इस समय आवारा पशुओं से परेशान है। आवारा पशु इतने हो चुके हैं कि किसान की फसल को आधे से ज़्यादा खा जाते हैं, उसे खा जाते, जो बचता है उसको सस्ते दामों पर गवर्नमेंट लेती है। जब किसान का जब बिक जाता है तो उसे सस्ता कर देते, महंगा कर देती है गवर्नमेंट अपना, ये हिसाब है। और सबसे बड़ा विकास है, शिक्षा देख लीजिए आप, शिक्षा कहाँ पहुँचा दी है लोगों ने, शिक्षा को हमेशा पीछे ही ले जा रहे हैं है? सबसे मेरे बात, और हमारी कॉलोनी में जाइए 11 लाख की लगत की वो दिखा दी है नेम प्लेट, अब गली में कोई विकास नहीं है, उसमें गुडवे गड्ढा पानी भरा। रविंद्र पाल के पास हम एप्लीकेशन लगाने गए थे, रविंद्र पाल ने ये कह दिया सुबह सुबह हमसे कि आप सुबह सुबह आ जाते, उठ के सोते हो रात को या नहीं सोते, हमें ये ललकार करके भेज दिया था। बताइए कोई विकास है?
हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते जो हमारा विकास करे। सरकार बढ़िया है, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे, लेकिन इसका जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल बेकार है। हम उसे चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हमारी समस्त जनता खुश रहे, खुशहाल रहे। ये वोट क्यों करते हैं? सिर्फ अपने भविष्य के लिए करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वोट कर लेते हैं, इनको ये पता बैकवर एरिया है, बैकवर एरिया में वोटिंग को नाम की जाएंगे, साले वोट ऐसे नहीं देंगे तो पार्टी के नाम पे वोट दे देंगे, हमें क्या है? काम करने जाओ, पूछने जाओ, साहब हमने आपको वोट दिया तो क्या कहते हैं? हमें क्या वोट दिया? आपने तो बीजेपी को वोट दिया, पार्टी को वोट दिया। जाओ निकलो, सांसद भवन जाओ, उसमें काम करवाओ। ये होती है हमें सुनवाई। बताओ हमारी शिक्षा को देखो, कोई डॉक्यूमेंट लेके जाओ। एक लड़की है यहाँ की, क्या नाम है, इधर की है, गंगरी साइड की, उसका मतलब शिक्षित भर्ती में नंबर आ गया था, सिर्फ उसने लोधी लगा दी पीछे, उसका कनेक्शन कट गया। बताओ क्यों? लोधी लाश इतनी बुरी हो गई, बीजेपी के 95% वोट, बीजेपी को 95% लोधी जात के जाते जाते ही नहीं जाते, फिर भी ये क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? सिर्फ हम इसको लेके खड़े हैं, इसलिए हमने सरकार को किसी को दोष नहीं दिया, बीजेपी से कांग्रेस से सपा से कोई से, लेकिन हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है ना, जिनको चेंज करना है, इसलिए हमने इस बार पूर्व रूम से हमारे क्षेत्र में चले जाइए आप कहीं भी, सिर्फ सतीश लोधी का बल्ला ही जीतेगा। आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं? देखिए, हम सरकार चाहते हैं एक राष्ट्रवादी, एक व्यक्तिगत सोच वाली नहीं चाहिए सरकार, चाहिए राष्ट्र का काम करे, समाज का काम करे, और किया भी है और करती भी है। और हमने जो मतदान किया है वो राष्ट्रहित में बात की है, और उसी पे हमने मतदान दिया है। प्रदेश सरकार ने खूब किया है। जब आप लोग प्रदेश सरकार काम करने के लिए तैयार है और वो करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ रही है, तो हमें अकल होनी चाहिए कि हम किस तरीके से काम करवाएंगे। हम घर में बैठे रहेंगे और काम कराने के लिए नहीं आएंगे। मोहल्ले से कहते हैं तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, ऐसे काम नहीं होता है। आप डायरेक्ट जाइए, आपका प्रतिनिधि है, आपकी सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा दूसरी बार सुनेगा। हो सकता है प्रतिनिधि किसी काम से हो, नहीं सुना है, आप दोबारा जाइए, बिल्कुल सुनेगा, और सुनने के बाद आपका काम हुआ है। मैंने काम कई काम करवाए हैं शहर में और यहाँ, और सुनो, सब्जी बंद रहेगी, कुछ बंद नहीं रहेगा। जे जनता के अनुसार जो मांग है उसको खोलते हैं, ठीक है ना, सारी चीज मिलती है, सारी सुविधा है, आप काम करवाइए, बिल्कुल काम मिलेगा। वोट कराए? हाँ कराए। अच्छा, किस तरीके की सरकार चाहते हैं आप? हम तो सरकार वो चाहते हैं जो के हमारे गरीब लोगों के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, और बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, और बच्चे हमारे बीए फाइनल करे हुए हैं, नाडिया पड़ोस के बच्चे, उनकी नौकरी चाहिए, और हमें मजदूर आदमी हैं, मजदूरों के लिए मजदूरी चाहिए, हमें चाहे रोड पे दो चाहे घर है दो। सरकार ने नहीं किया भाई, हमारी सरकार ने जिसने किसने कुछ नहीं किया। हाँ एक किया है कि राशन वाली बात है, राशन जरूर खिलाने के लिए दिया है, राशन देने के कारण वो मुफ्त इतना कर रखा है, इतना मुफ्त कर रखा है कि आदमी राशन खाएगा रहेगा। मैं ये चाहता था जो बच्चे पढ़ लिखे हैं उनको नौकरी चाहिए, हमें उनको नौकरी चाहिए। तो बच्चे हमारे नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे, उनकी फीस जा रही है। हाँ फीस जा रही है, क्या और बच्चा फीस दे रहे, पढ़ाई है ना रही, क्या बात है? इस बात इस जगह में तो मारुति चाहता हूँ। वोट डाला है? हाँ जी, मैंने वोट डाला है। किस तरीके की सरकार चाहिए आपको? वो मुझे, हमें वो सरकार चाहिए जो बेरोजगारी को खत्म करे, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो कहे कुछ और करे कुछ, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जिसका ढिंडोरा ज्यादा पिटे। ये सरकार क्या गलत काम कर रही है? ये सरकार वादे कर रही है लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं कर रही। तो क्या पिछली सरकारों ने किया कुछ? हाँ भाई, तो इससे पिछली सरकार थी वो अच्छी थी, इतनी महंगाई नहीं थी। इन्होंने फ्री का 100 रुपए का वो देते हैं राशन, और 5000 रुपए की नौकरी छीन ली इन्होंने। आपने इंजीनियरिंग किया लेकिन आपको मिली? मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं भटक रहा, मेरे को आज तक जॉब नहीं मिली, 5000 रुपए तक जॉब नहीं मिल रही इस सरकार में। वो इतनी वैकेंसी निकलती है, सब पर्चे लीक हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, कोई भी नहीं सुनता।